बेंगलुरु के नंदिनी लेआउट में कबूतरों को पकड़ने की कोशिश में करंट लगने से दो लड़के गंभीर रूप से झुलस गए। डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। लड़कों का अब विक्टोरिया अस्पताल में इलाज चल रहा है और वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों की पहचान नंदिनी लेआउट के विजयानंद नगर निवासी चंद्रू और सुप्रीत के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक कबूतरों को पकड़ने की कोशिश में लड़के गुरुवार को लोहे की रॉड लेकर एक घर की छत पर चले गए। कबूतरों को पकड़ने की कोशिश में उनका लोहे का रॉड गलती से छत से गुजर रहे हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। पॉक्सो मामले में निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक के दो पुलिसकर्मियों पर जुर्माना लगाया गया है। मंगलुरु में दूसरी अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसे एक पॉक्सो मामले में एक साल के लिए न्यायिक हिरासत में रखने के लिए दो महिला पुलिस अधिकारियों को 5,00,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। स्थानीय लोगों द्वारा इलाके में 4 तेंदुए देखे जाने के बाद आज 2 दिसंबर को बेंगलुरु के केंगेरी और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हाल ही में केंगेरी, कुंबलगोडू, देवनहल्ली और आसपास के इलाकों में 4 बड़ी बिल्लियां देखी गईं। अधिकारियों को बेंगलुरु के बाहरी इलाके में कनकपुरा के पास कोडीपला में एक तेंदुए द्वारा मारे गए हिरण का शव मिला है। कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की खबरों को खारिज कर दिया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एन के मोहम्मद शफी सादी द्वारा जारी प्रस्ताव वास्तव में राज्य के 10 जिलों में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी महिलाओं के लिए संस्थान स्थापित करने का है। केवल मुस्लिम संस्थान खोलने पर सादी के कथित बयान के बारे में पूछे जाने पर बोम्मई ने कहा, मेरी सरकार के किसी भी हिस्से में इस पर चर्चा नहीं हुई है और यह मेरी सरकार का स्टैंड नहीं है। अगर कुछ है तो वक्फ प्रमुख को मुझसे बात करने दीजिए। आपको बता दें कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना शफी सादी ने हाल ही में कहा था कि राज्य में लड़कियों के लिए 10 कॉलेज शुरू करने का फैसला किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज इस आरोप को खारिज कर दिया कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग अकेले मतदाता सूची में नाम जोड़ या हटा सकता है। वो कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि राज्य में मतदाता सूची से अल्पसंख्यक वोटों को हटाया जा रहा है। बेंगलुरु सुशासन माह के हिस्से के रूप में उच्च शिक्षा और कौशल विकास मंत्री अश्वथ नारायण ने एक उन्नत कर्नाटक स्किल कनेक्ट पोर्टल की घोषणा की। उनके अनुसार संशोधित पोर्टल आपूर्ति और मांग के बीच की खाई को पाटने के लिए नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों दोनों को एक साथ लाएगा। विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। तदनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय को मार्च 2023 से पहले ऑनलाइन प्रारूप में न्यूनतम 1 डिग्री पाठ्यक्रम करना होगा। विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे 22 दिसंबर से पहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीकृत हों। इसके अलावा उन्हें कम से कम 5 उद्योग भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, मंत्री ने कहा। कर्नाटक मोटरसाइकिल पर उच्च जाति के पुरुषों को ओवरटेक करने के बाद कर्नाटक के दलित व्यक्ति पर हमला, बाद में जीवन समाप्त कर लिया। पुलिस ने कहा कि कर्नाटक में एक 22 वर्षीय दलित व्यक्ति ने कथित तौर पर एक पेड़ से बंधे होने और अपनी मोटरसाइकिल पर अपने वाहन को ओवरटेक करने के लिए उच्च जाति के पुरुषों द्वारा हमला करने के बाद आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत आदि कर्नाटक समुदाय से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति बुधवार को घटना के कुछ घंटों बाद मृत पाया गया। वो कोलिगा समुदाय के लोगों ने उदय के वाहन को रोक दिया और कथित तौर पर एक पेड़ से बांधकर उसके साथ मारपीट की।